नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कोमल्स किचन में। और आज मैं एक अनोखी चटनी आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो है तड़के वाली टमाटर की चटनी। हमें टमाटर की चटनी के लिए चाहिए 7 से 8 टमाटर, लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, थोड़ी शक्कर, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, हरी मिर्च एंड नमक। सबसे पहले हम पैन में तेल डालेंगे और जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा तो सबसे पहले हमें इसमें जीरा डालना है। ये देखिए जीरा हमारा फूट रहा है। फिर हमें इसमें हरी, देखिए अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और हम हरी मिर्च भी डाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा ऐसा टेस्टी सा फ्लेवर आ जाए, है ना। ये 4 से 5 हरी मिर्च है ना। अभी देखिए भून चुके, अब हम इसमें टमाटर डाल के और इसे मिक्स करने के बाद 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं और इसे सेम आँच पे 10 मिनट मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट तक कम आँच पे रख देना है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाए। देखिए हमारे टमाटर ही पक चुके हैं। अब हम इसमें सारे ड्राई मसाले डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और इसमें थोड़ी सी चीनी जाएगी, छोटा आधा चम्मच, क्योंकि टमाटर हल्के से खट्टे होते हैं। और हमारी धनिया, ये सब चीज़ें डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए इसे 2 मिनट के बाद हम ढक के रखना है और हमारी चटनी तैयार। देखिए ये चटनी बनके तैयार हो गई है। इसे आप अपने घर पे बनाइए और बताइए आपको कैसी लगी। ये चटनी 3 से 4 दिन तक चल जाती है। इसे आप स्टोर ठंडा करने के बाद फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और दोस्तों इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक हम पहुँचा सकें। नमस्कार दोस्तों।